राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो भोली बदनिया जय श्री राधे जय श्री, श्री राधे श्री राधा श्री राधा लाल एवं श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम श्लोक संख्या 162 अंग प्रत्यंग रिंगन मधुरतर महाकीर्ति पीयूष सिंधो इंदो कॉटिर्विंद वनमती ललित सौकुमार्भुतलितनो केली प्रणय रसमयान किम विगाहे प्रवाहान इस श्लोक में ग्रंथकार श्रीयुगल सरकार के केली की दर्शन आकांक्षा को व्यक्त कर रहे हैं ऐसी श्री राधा रानी जो विहार केली रूपी नदियां जिनसे प्रकट होती हैं जिनके सभी अंग प्रत्यंग से रूप सौंदर्य मधुर से मधुर विशाल वैभव वाले रस रूपी अमृत सागर बहते रहते हैं करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं को लज्जित करने वाला जिनका श्रीमुख है मद से भरे जिनके नेत्र हैं जिनके श्री वपु में अद्भुत सुकुमारता और सुंदरता है भरी हुई है उन श्री राधा की प्रेम रस भरी आनंद को बहाने वाली केली सरिता प्रवाह में कभी मैं स्नान करूंगी केली कल्लोलीनाम की व्याख्या करते हुए टीकाकार कह रहे हैं कल्लोल कहते हैं बड़ी बड़ी तरंगों को यहाँ प्रेम की जो अनेक प्रकार की उमंगें श्री प्रिया जी में उठती हैं ये प्रेम की उमंग ही तरंगें हैं और प्रेम की उमंग रूपी तरंगों से युक्त जो श्री राधा रानी की केली रूप धाराएं हैं केली रूप नदी हैं उसमें स्नान करने की यह सखी इच्छा कर रही है जैसे नदी में प्रवाह होता है जल का ऐसे ही श्री राधा रानी की जो लीला नदी है केली नदी है ये प्रणय रसमयान इसमें रस और प्रेम का प्रवाह है और कुछ नहीं यानी ये प्रेम और रस की नदी है इस नदी के स्वरूप का वर्णन करने के लिए ग्रंथकार विशेषण देते हैं आनंद सेंदनी नाम ये नदी सखियों के हृदय से लेकर वृंदावन के चराचर पदार्थों में बहने वाली है सभी को आनंद प्रदान करने वाली है जैसा कि शतक में भी लिखा है श्यामानंद रसईक सिंधु बुड़िता वृंदावनाधीश्वरी तत्स्वानंद रसामबुधौ निर्वधौ मग्नम च तत्श्यामलम तादृक प्राण परार्ध वल्लभ युग क्रीडा वलोकोन्मदानंद काब्धि भ्रम तनु ध्यामी श्री कृष्ण के आनंद समुद्र में श्री राधा रानी डूबी रहती हैं और राधा रानी के आनंद समुद्र में श्री कृष्ण डूबे रहते हैं असंख्य प्राणों के प्यारे इन दोनों ही श्री युगल सरकार के आनंद समुद्र में सखिया डूबी रहती हैं इसलिए आनंद ये प्रेम और रस का प्रवाह वाली जो नदी है आनंद प्रदान करने वाली है अब जिनसे ये केली रूपा नदी प्रकट होती है उन केली करने वाली श्री राधारानी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कैसी हैं वे श्री राधा अंग प्रत्यंग रिंगन मधुरत महाकीर्ति पीयूष संधो जिन श्री राधा रानी के हाथ पैर आदि अंगों में ऊपर नीचे आगे पीछे छोटे छोटे सभी जो सूक्ष्म प्रत्यंग हैं अर्थात प्रत्येक रोम में श्री राधा रानी का प्रत्येक रोम महामाधुर्य के रस से भरा हुआ है श्री जी के रोम रोम में अमृत अमृत के समुद्र बहते रहते हैं रोम रोम में अमृत के समुद्र खेलते रहते हैं जिनके श्री अंगों में माधुरी रूपी यश के समुद्र खुलकर छलकते हैं उमड़ते हैं और जब श्री प्रिया जी खेलती हैं और माधुरी रूपी जो समुद्र है छलकता है तो उस माधुरी को देखकर सब सखियां वाह वाह ऐसा कहती हैं और उनके प्राणों की आरती उतारती हैं श्री राधा रानी के यश की प्रशंसा करती हैं कि माधुर्य तो प्रियतम के पास भी है लेकिन श्री जी जैसा माधुर्य प्रियतम के पास नहीं है राधा रानी के मा माधुर्य को महामाधुर्य कहा है क्योंकि प्रियतम श्याम सुंदर में कभी कभी ऐश्वर्य का प्रकाश हो जाता है इसलिए माधुर्य में वो गौरव नहीं आ पाता है श्री राधा रानी का जो महा जो माधुर्य है उसको महामाधुर्य कहा है इसलिए महामाधुर्य वाली होने के कारण राधा रानी की महा कीर्ति है ये कीर्ति श्री जी की कैसी है अमृत रूपा है अर्थात ये कीर्ति कभी क्षीण नहीं होती है ये माधुर्य जो है कभी कम ज्यादा नहीं होता है छोटे छोटे श्री राधा रानी के जो रोम हैं उन छोटे छोटे रोमों में छोटे छोटे अंगों में महा माधुर्य के समुद्र के समुद्र लहरा रहे हैं यहाँ प्रिया जी को इंदोह कोटिर विनिंद वदन मत माद मदालोल नेत्रम दधत्या इंदु अर्थात चंद्रमा चंद्रमा जैसे एक चंद्रमा अपने ऐश्वर्य से अपने प्रकाश से सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है श्री राधा रानी का मुख चंद्रमा तो जो संसार में चंद्रमा दिख रहे हैं ऐसे अनंत करोड़ों चंद्रमाओं को भी तिरस्कृत कर देने वाला है श्री राधा रानी के मुख चंद्र की माधुर्य की कांति ऐसी है कि उसके आगे ऐसे अनंत करोड़ चंद्र भी एक साथ प्रकट हों तो भी फीके पड़ जाएंगे ऐसा श्री राधा रानी का मुख है ऐसे मुख को धारण करने वाली श्री राधा रानी के प्रेम के रस के प्रवाह में मुझे कब नहाने का अवसर मिलेगा श्री राधा रानी का जो महामाधुर्य है वो ऐसा है कि उस महामाधुर्य के एक क्षण के महामाधुर्य की तुलना में भी अनंत ऐश्वर्य टिक नहीं सकते हैं यद्यपि श्याम सुंदर के अंदर भी माधुर्य है जहाँ तहाँ श्रीकृष्ण के मुख को भी चंद्र कहा है तो करोड़ों चंद्रमाओं द्वारा प्रियतम के मुख का भी वर्णन किया जाता है लेकिन ऐसे वे प्रियतम जिनके मुख की उपमा करोड़ों चंद्रमाओं से दी जाती है ऐसे श्रीकृष्ण चंद्र भी राधा मुख चंद्र के चकोर बनकर रह जाते हैं इससे श्री राधा रानी के मुख के काम जो महामाधुर्य है वो प्रकट होता है और उसमें भी श्री प्रिया जी के मुख पर उत्कट मद से चंचल दो श्री प्रिया जी के नेत्र हैं अति मदालोल नेत्रम दधत्या अत्यंत मद से भरे हुए दो नेत्रों को श्री राधा रानी ने अपने मुख चंद्र पर धारण कर रखा है इन नेत्रों को बड़ा मध है प्रिया जी के नेत्रों में बड़ा मध है किस बात का मध है अपने सौभाग्य का मध है क्योंकि सखियाँ सुनाती रहती हैं कि प्रियतम शाम सुंदर भी इस मुख के चकोर बन जाते हैं तो ये सब बातें ये नेत्र जो हैं सुनते हैं उस बात का इनको मध हो रहा है और सबसे अधिक गर्व तो इस बात का है कि प्रियतम को जो कामत ज्वर होता है दिव्य काम का ज्वर होता है उस कामत ज्वर की पीड़ा को श्री राधा रानी ही दूर कर सकती हैं अपनी कृपा से और जब श्री प्रिया जी में कृपा की बाढ़ आती है प्रियतम की पीड़ा दूर करने के लिए तो कृपा की बाढ़ में जल्दी से प्रिया जी की प्रिय प्रियतम की इच्छा पूर्ति करने के लिए जब त्वरित होकर बढ़ती हैं तो उस समय उनके जो नेत्र हैं वो अस्थिर हो जाते हैं अर्थात चंचल हो जाते हैं इसलिए इन नेत्रों की विशेषता बताई कि इनमें अति मद है और लोल से तात्पर्य है इनमें चंचलता बहुत अधिक है तो ये चंचलता कृपा के कारण आई है जब प्रिया जी देखती हैं कि प्रियतम संगम इच्छा जन्य पीड़ा से पीड़ित हैं तो उस समय कृपा करने के लिए जब त्वरित होकर चलती हैं तो उस, उस तीव्रता में श्री प्रिया जी के नेत्र चंचल हो जाते हैं राधायाह सौकुमार्याद्भुत ललित तनोह इन श्री राधा रानी के अंदर सौकुमार्य बहुत है इतनी सुकुमार हैं कि मिलन की उत्कंठा को भी सहन नहीं कर पाती हैं इसलिए सौकुमार्याद्भुत ललित तनोह शब्द का प्रयोग ग्रंथकार ने किया श्री राधा रानी की सुकुमारता भी बड़ी सुंदर है बड़ी अद्भुत है ललित तनु है अर्थात श्री प्रिया जी का उस समय एकदम छरहरा श्री प्रिया जी का शरीर है ललित तनु है ये श्री प्रिया जी के श्री दिव्य वपू का वर्णन सखी जो कर रही है उस समय विलास चल रहा है और श्री जी के जैसे अंग का अनुभव ये सखी कर रही है उसी का वर्णन कर रही है श्री राधा रानी ललित तनु तनु शब्द से पतले छरह शहर की व्यंजना निकलती है क्योंकि प्रियतम की भुजाओं में श्री प्रिया जी उस समय आलिंगित हैं तो उस समय उनका तनुवंगी होना अर्थात जो शरीर की एक कृषता है पतलापन है वो दिखाई पड़ रहा है तो जब प्रिया जी प्रियतम से आलिंगन की हैं उसके बाद उनमें केली की तरंगें उठी हैं अर्थात क्रीड़ा आरंभ हुई है और अनेक अनेक प्रकार की जैसे तरंगे समुद्र में या नदी में नई नई उठती रहती हैं ऐसे ही जी प्रियतम के साथ जो केली रूपी तरंगे हैं ये अनंत उठी हैं अर्थात अनंत प्रकार की केली हुई है और इन्हीं केलियों को नदी का रूपक दिया गया है और ग्रंथकार ने कहा केली कल्लोली नाम ऐसी वे कलियाँ जो कि प्रेम पूर्ण हैं रसमय हैं अर्थात जो प्रिया जी उस समय केलियाँ कर रही हैं उसमें प्रेम और रस भरा हुआ है रस से तात्पर्य है प्रिया जी उस समय प्रियतम के साथ ऐसा मिलन का आनंद ले रही हैं कि उस समय प्रिया जी को अन्य किसी भी विषय का ज्ञान नहीं है तो इस तरह का जो प्रिया जी का केली प्रवाह जब चल रहा होगा तो ये सखी प्रार्थना कर रही है कि उस केली प्रवाह में मैं कब अवगाहन करूँगी अर्थात कब स्नान करूँगी तो सखी के इस प्रकार निवेदन करने पर श्री राधा रानी की केली नदियाँ प्रारंभ हुई हैं और उन नदियों में ही ये सखी बार बार डूब रही है और डूबते उतराते हुए उसने प्रेम और हर्ष के साथ उस समय इस सखी के मुंह से इन भावों की अभिव्यक्ति हुई है ये भाव प्रकट हुए हैं इस तरह से उसने जो श्री प्रिया जी की केली का अनुभव किया है उसके बाद निकुंज के लता पताओं के छेदों से सखी ने केली के रस प्रवाह में स्नान किया है डुबकी लगाई है दर्शन करके और जब इस तरह से लता रंध्रों से उसने दर्शन करके परम सुख की प्राप्ति की तो वो सखी अपने आपे में नहीं रही और वहाँ से उठ के चली आई प्रातःकाल हुआ उन्होंने सुना कि कुछ तोते प्रिया प्रियतम के पारस्परिक हास विलास को लेकर कुछ कह रहे हैं तो उसे बड़ा आनंद हुआ तो जितना लता रंध्र से देख पाई थी उतना देखा और उसके बाद बेभान सी उसकी अवस्था हो गई उस लीला को देखकर अन्य जो देख नहीं पाई उसको प्रातः काल उसने वहाँ के जो शुक थे तोते थे जिन तोतों ने उन सब लीलाओं को सुना था देखा था वे तोते आपस में श्री प्रिया प्रीतम की उन लीलाओं को कह रहे थे उन तोतों से उन लीलाओं को सुन के सखी को परम आनंद का अनुभव हुआ और उसी आनंद का वर्णन यहाँ अग्रिम श्लोक में श्लोक संख्या एक में सखी ने उसी को व्यक्त किया है मत कंठे किम नखर शिखया दैत्य राजोस्मी नाहम मीड़ा कुरु कुछ पूतना नाहमस्मी इत्थम कीरई रनुकृतवच प्रेयसा संगताया प्रातः श्रोष्य तव सखी कदा केली कुंजे मृजंती इस प्रस्तुत पद्य में कुंजों में स्थित जो कीर हैं अर्थात जो तोते हैं निकुंज में स्थित उन तोतों के वचनों की श्रवण की इच्छा यहाँ सखी कर रही है सुनना चाहती है कि इन तोतों ने आखिर प्रिया प्रीतम का वो कौन सा विलास देखा है या सुना है जिसकी ये चर्चा आपस में कर रहे हैं तो उन तोतों के मुंह से इस लीला को वह सुनना चाहती है श्लोक का भाव है मेरे कंठ में नख के अग्रभाग से क्यों पीड़ा देते हो प्रिया जी कह रही हैं मैं कोई दैत्यराज तृणावर्त नहीं हूँ अरे आप मेरे कुछ मंडल में पीड़ा न करें मैं पूतना नहीं हूँ हे सखी प्रियतम के समागम में तुम्हारे तोताओं से अनुकरण किए हुए वचनों को प्रातः काल जब प्रिया प्रियतम की लीला हो चुकी होगी तब मैं केली कुंजों को बुहारूंगी और बुहारते बुहारते ऐसा अवसर कब आएगा कि वो तोते मुझे उस अंतरंग विलास की बातों को सुनाएंगे तो यहाँ इस श्लोक में संपूर्ण ग्रंथ जो है वो एक बड़ा विलक्षण रस से भरा हुआ है और उसमें यहाँ कुछ रसिकों को यह आपत्ति होती है कि इतना जो रसमय प्रसंग है उसमें दैत्यराज तृणावर्त और पूतना का नाम इस रसमय लीला में क्यों लिया गया उस एकांत विलास में ये प्रसंग जो है कुछ अनुपयुक्त सा प्रतीत होता है अप्रासंगिक सा लगता है तो उसके विषय में टीकाकार अपना मत देते हैं कि पाठकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि साधारण कवियों की वाणी जो है वो अर्थ के अनुसार चलती है साधारण कवीनांच वाग वाग अर्थम अनुधावती ऋषिणाम पुनराद्या वाचम अर्थोनुधावती सामान्य जो कवि होते हैं उनकी जो वाणी है वो अर्थ के अनुसार चलती है किंतु जो प्राचीन जो ऋषि हैं उनकी वाणी के अनुसार अर्थ लगाया जाता है लौकिकाण ही साधूना अर्थम वाग ये स्पष्ट है तो साधक जनों को महापुरुषों के वचनों में इसलिए दोष नहीं निकालना चाहिए हम उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो यह हमारा अज्ञान है बाकी ईश्वर कृपा पे भरोसा रखना चाहिए उनकी बातों पर संदेह नहीं करना चाहिए कि इतना रस में प्रसंग है तो ये प्रसंग कुछ प्रक्षप्त सा प्रतीत होता है या ये अनुपयुक्त सा प्रतीत होता है इस तरह के भाव सिद्ध पुरुषों की वाणी में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि पूर्व में कह चुके हैं कि महापुरुषों की वाणी के अनुसार अर्थ लगाया जाता है जो अर्थ है वो उनकी वाणी का अनुगमन करता है तो वो अर्थ समझ में ना आए तो ये अपना दोष है बाकी उनकी वाणी में कोई दोष नहीं है और श्री ठाकुर जी कृपा करें तो ये सब भाव अवगम्य होते हैं अन्यथा नहीं होते क्योंकि जैसा कि भागवत जी में आया है यदंग निध्यान समाधि धौतया स्पष्ट लिखा है कि जो पारगामी विद्वान हैं कविगण हैं वो अपनी रुचि के अनुसार उस आत्म तत्व का वर्णन करते हैं तो वो उचित ही है तो उसके प्रति संदेह नहीं करना चाहिए यद्यपि दोनों प्रकार की बातें प्राप्त होती हैं जब उस परम तत्व का साक्षात्कार हो जाता है यानी भगवत तत्व का साक्षात्कार हो जाता है तो हृदय की गांठ अपने आप खुल जाती है सारे संदेह मिट जाते हैं सब कर्म क्षीण हो जाते हैं जैसा कि प्रसिद्ध है भिद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यंते सर्व संशया और ये भी कहा है कि मुह्यंती यथ सूर्य उस परम तत्व को समझने में बड़े बड़े विद्वान मोहग्रस्त हो जाते हैं तो दोनों तरह के सिद्धांत मिलते हैं उस परम तत्व को जानने के बाद मोह नष्ट हो जाता है अथवा उसको जानने में जीव मोहग्रस्त हो जाता है दोनों तरह की बातें मिलती हैं इनका निष्कर्ष यही निकलता है कि भगवान की कृपा का आश्रय लेना चाहिए वे अपने आप को जिस तरह से बोधगम्य बनावें अपने आप को का जिस तरह से ज्ञान कराना चाहें उसी भगवान की कृपा के आश्रय पर ही जीव को आधारित रहना चाहिए तो यहाँ इस श्लोक में प्रायः ये आपत्ति प्रकट की जाती है कि दैत्यराज नाम जो लिया है मत कंठे किम निखर शिखया दैत्य राजोस्मिना हम प्रिया जी श्याम सुंदर से कह रही हैं कि आप मेरे कंठ में नख का आघात मत करो मैं कोई तृणावर्त नहीं हूँ दैत्यराज नहीं हूँ तो यहाँ जो दैत्यराज और पूतना का ये जो नाम लिया है इस इतने रसमय प्रसंग में तो क्या उस समय कोई निर्दयतापूर्वक ये सब नखाघात किया जा रहा था तो टीकाकर कहते हैं कि यहाँ दैत्यराज अथवा पूतना से संबंधित घटना के एक अंश से तात्पर्य है न कि पूरी कथा से रसशास्त्र में अलंकार शास्त्रियों के अनुसार उपमान उपमेय से अलग होता है उपमान अर्थात जिस वस्तु या जिस व्यक्ति से उपमा दी जाती है और उपमेय का मतलब होता है जिस को उपमा दी जा रही है तो उपमान उपमेय से भिन्न भी होता है और उपमेय के धर्म भी उपमा में होते हैं दोनों ही बातें हैं जैसे उपमा के लिए यहाँ ग्रंथ में ही आया है कई जगह श्री राधा रानी की जो उपमा है वो एक कौंधती हुई बिजली से दी है परम सुकुमारी की बिजली जैसी शोभा है परम यहाँ तड़ छवि परम सुकुमारी की बिजली जैसी शोभा है तो अब जो ऐसा कहा है तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो सुकुमारी कोई बिजली हो गई है अथवा एक श्लोक में सुधानिधि जी में ये भी भाव दिया है कि जब प्रिया जी प्रियतम से आलिंगन कर रही हैं तो उस समय प्रियतम के जो हाथ हैं वो रोमांच युक्त होने के कारण कंटकित कमल नाल जैसे लग रहे हैं जैसे कमल की नाल में छोटे छोटे कांटे होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो प्रियतम का हाथ कोई कमल का नाल हो गया है उपमा एक अंश में घटित होती है जैसे कमल की नाल में छोटे छोटे कांटे होते हैं ऐसे ही उस आलिंगन में जब प्रियतम की भुजा पुलकावली मंडित हुई तो वो कमल के नाल की तरह लगने लगी तो एक अंश में जो है वो उपमा घटित होती है तो इन सब उदाहरणों से यहाँ यही टीकाकार समझाना चाहते हैं कि उदाहरणों में कवि का तात्पर्य उपमानगत किसी एक अंश से होता है पूरी कथा से नहीं होता है इसलिए यहाँ इस श्लोक में जो पूतना या दैत्यराज नाम लिया है वो एक अंश में है अर्थात यहाँ परिहास के प्रसंग में केवल दैत्य का नाम लिया है आगे पीछे की सारी कथा या कहानी को नहीं घसीटना चाहिए क्योंकि घटना को अगर पूरे अंश में लिया जाएगा उपमा एक अंश में घटित होती है अगर उसको पूरे अंश में ले लिया जाएगा तो वैसा ही नुकसान होगा जैसे अंधा बगुला भ्रम में पकड़ पड़ के अगर दूध ही त्याग दे तो उसका बड़ी उसकी बड़ी हानि हो जाती है तो जिस गुण को दृष्टि में रख के उपमा दी गई है केवल उतने ही अंश में उपमा को घटित करना चाहिए अन्यथा बहुत बड़ी हानि हो सकती है तो अब यहाँ कोई कहे कि कुंज केली के वर्णन में श्री कृष्ण के द्वारा ब्रजलीलाओं का संबंध ही हम नहीं मानते जैसे प्राय आधुनिक जन कहते ही हैं निकुंज है, लीला अलग है ब्रजलीला अलग है और ब्रजलीला को के अंश को अस्वीकार कर देते हैं तो यदि इन सब बातों को यहाँ कहा जाए कि यहाँ पूतना नाम ले लिया निकुंजलीला में ब्रजलीला आ गई तो ये सब हम नहीं मानते श्लोकों को भी प्रक्षिप्त ठहरा देते हैं तो यदि इन सब भावों से ग्रंथ प्रारंभ से ही दोषग्रस्त दोषग्रस्त हो जाएगा क्योंकि प्रारंभ में श्लोक की शुरुआत तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशे पी ब्रजलीला से अगर कोई संबंध नहीं मानेंगे तो निभृत विलास के प्रसंग में राधा रानी को नंदनी कहा है नंद नंदन आदि नाम लिया है तो ये सब यदि इनमें इतना पार्थक्य होता तो मूल ग्रंथकार ये सब नामों से क्यों प्रिया प्रियतम को संबोधित करते इसलिए यहाँ रसिकजन अपनी तीव्र रस भावना के अनुसार भले ही ये माने कि रहस्य के लिए करने वाले प्रिय प्रियतम का स्वरूप और ब्रजलीला के कर्णधारक कृष्ण राधा का स्वरूप अलग अलग है क्योंकि ब्रजलीला में ऐश्वर्य अधिक है और निकुंज लीला शुद्ध रसात्मक है तो दोनों के चारित्रिक विशेषताओं में अंतर है अथवा ये कहते हैं ब्रज और महाभारत वाले कृष्ण भी अलग अलग हैं तो ये सब बातें ये सब कहना कि हमारा ब्रजलीला से कोई संबंध नहीं है ये सब अपलाप मात्र है अर्थात व्यर्थ की बातें हैं इनसे लीला अपराध होता है और ये कहना भी ठीक नहीं है कि प्रिया प्रियतम को ब्रजलीला की स्मृति भी नहीं रहती है ठीक है प्रिया प्रियतम का विलास शुद्ध रूप से रस प्रधान है पर निकुंज लीला की भी कई अवस्थाएं हैं जो यहाँ टीकाकार ने बताई हैं निकुंज लीला में चार अवस्थाएं होती हैं एक होती है भूमिका फिर लीला का प्रारंभ फिर लीला का मध्य काल और फिर लीला का अंत काल तो भूमिका प्रारंभ मध्य और अंत ये चार अवस्थाएं होती हैं और इन चारों अवस्थाओं में चार स्थितियां रहती हैं भूमिका में अभिलाषा रहती है प्रारंभ में संगम रहता है मध्य में आस्वाद प्रिया प्रियतम करते हैं और अंत में आत्मविस्मृति की दशा होती है तो यहाँ ये जो श्लोक है ये आस्वाद की स्थिति का श्लोक है आस्वाद मध्य की स्थिति है इसमें वार्तालाप के लिए अवकाश नहीं रहता जब प्रिया प्रियतम केवल उस समय आस्वाद कर रहे होते हैं लीला का उसमें वार्तालाप के लिए समय नहीं होता पर फिर भी भोक्ता भोग्या का ज्ञान तो रहता ही है आत्मविस्मृत तो वो दशा है जहाँ भोक्ता भोग्या की भी स्मृति नहीं रहती है तो ऐसी स्थिति में प्रिया जी ये नहीं कह सकती कि मेरे कंठ में नखा घात मत करो मैं दैत्यराज नहीं हूँ क्योंकि यहाँ इसमें तू और मैं का प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब ये आत्मविस्मृत अवस्था नहीं है आत्मविस्मृत में ये सब नहीं कहा जाएगा तो ये जो स्थिति है ये आस्वाद की स्थिति है आस्वाद की स्थिति में ही ये भाव श्री प्रिया जी के मुख से प्रकट हुए हैं आस्वाद वहाँ वो अवस्था है जहाँ परस्पर अनुराग रखने वाले दो विलासी पुरुष यानी प्रिया प्रियतम दर्शन स्पर्श ये सब आनंद लेते हैं और आस्वाद में जब प्रिया जी ने श्री कृष्ण के गले में नखाघात किया है तो किसी समय ब्रजलीला के प्रसंग में जो तृणावर्त के गले में नाखून गढ़ा के श्री ठाकुर जी ने उसका वध किया था उस घटना का केवल एक अंश ही यहाँ लिया है केवल नखाघात करना बाकी पूरी लीला से संबंध नहीं है तो जब प्रिया जी ने किया है नखाघात तो उस समय प्रियतम को उस लीला का स्मरण हो आया और उनको परिहास की भावना सूझी वे अपने आप को रोक नहीं सके और उस समय पुरुष की भांति विहार करती हुई श्री राधा रानी को श्री कृष्ण मानकर और अपने आप को राधा मानकर श्री कृष्ण उनसे कहते हैं मैं दैत्यराज नहीं हूं आप मेरे ऊपर इस तरह से नखाघात क्यों कर रहे हैं जैसा कि गीत गोविंद में श्री राधा रानी कहती हैं प्रहर न हर भ्रांत्यानंग क्रोधा के मुधावसी अरे कामदेव गलती से मुझे शिव समझकर मेरे ऊपर प्रहार मत कर तू क्रोध में अंधा क्यों हो रहा है तो श्री कृष्ण उस समय प्रिया जी से कहते हैं कि मैं दैत्यराज नहीं हूँ आप मेरे ऊपर नखाघात क्यों करती हैं तो उसके पूर्व श्याम सुंदर ने भी श्री प्रिया जी के वक्ष को नख से क्षत विक्षत किया था तो एक सिद्धांत है कि शठ के प्रति शठ आचरण करना चाहिए तो उस समय इसी युक्ति से श्री प्रिया जी कहती हैं कि मैं पूतना नहीं हूँ फिर आप ऐसा ऐसा नखाघात क्यों कर रहे हैं तो प्रिया जी कटाक्ष करती हैं कि आपने बालकपन में ही नखाघात करना सीख लिया था तो उसी को आप क्या उसी शिक्षा का प्रयोग मेरे ऊपर कर रहे हैं तो इस तरह के हास परिहास विलास में प्रिया प्रियतम में चल रहा है आपस में इस प्रकार हास परिहास कर ही रहे थे कि उन प्रिया प्रियतम की इन बातों को जो कुंज में तोते बैठे थे उन तोतों ने इस वार्तालाप को पकड़ लिया और तोते क्योंकि रट्टू होता है तोते उसको दोहराने लगे जब तोतों ने इस लीला को दोहराया तो उसे सुनकर इस अंतरंगा सखी का हृदय आनंदित हो गया तो जैसे इस सखी का हृदय इन लीलाओं को के आनंदित हुआ है ऐसे ही सुनने वाले सभी श्रोताओं का हृदय भी आनंदित होना चाहिए न कि दैत्यराज और पूतना का नाम लेने से किसी प्रकार का संदेह इन लीलाओं में करना चाहिए क्योंकि ये सभी लीलाएं दिव्य हैं कृपा से ही समझ में आ सकती हैं तो पुनः विषय की व्याख्या टीकाकार करते हैं कि पूर्व पद्य में केलियों का बहुत सी नदियों के साथ एक तादात्म्य संबंध स्थापित किया गया था कि श्री जी की जो केलियाँ हैं वो नदी रूपा हैं प्रस्तुत पद्य में एक केली की नदी बही है यानी एक विलक्षण प्रकार की नदी जो परिहास पूर्ण है तो इस श्लोक में परिहास पूर्ण केली की सरिता वही है अमर कोश के अनुसार केली शब्द का प्रयोग परिहास के अर्थ में भी होता है तो अर्थ करते हैं कि अनेक प्रकार की केलियों के परिहास के कारण जिसके प्रत्येक अंग में माधुर्य का समुद्र लहराता है ऐसी आपकी केली कुंज में कैसी केली कुंज हैं जो जिनमें बैठते ही प्रिया प्रियतम को हास परिहास की भावना सूझने लग जाती है अर्थात ये केली कुंजें कितनी बड़ी प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं ये प्रिया प्रीतम के हास परिहास की सृष्टि किया करती हैं तो ऐसी केली कुंजों में सखी भावना कर रही है सफाई करती हुई प्रातः काल जब मैं मार्जन कर रही होंगी इन कुंजों को बुहार रही होंगी तब आपके वचनों को कब सुनूंगी तो यहाँ कुंज ग्रह की सफाई में इस सखी को एक विशेष आनंद मिला है और आनंद ये था कि इस निकुंज का बुहारी लगाने से इसका चित्त शुद्ध हो गया तो यहाँ चित्त में अशुद्धि किस बात की आ गई सखी के अंदर तो आत्मशुद्धि का ये भाव दिया है कि जब प्रिया प्रियतम का विलास चल रहा था तो लता पत्रों के छेद में से ये प्रिया प्रियतम के केली विलास को देख रही थी और दर्शन के आनंद समुद्र में डूब रही थी डूबते डूबते इतनी प्रेम विवश हो गई कि उसे वहाँ से उठना पड़ा अर्थात आगे की वह लीला देखने में स्वयं को समर्थ नहीं देख सकी उठना पड़ा और तत्कालीन लीला दर्शन के धन लाभ से ये बेचारी वंचित रह गई यही इसकी अशुद्धता थी यही इसको यही इसकी इसी अशुद्धता का इसको बड़ा मन में खेद था कि वैवश्य जन्य व्यवधान के कारण मुझे मैं प्रिया प्रीतम की संपूर्ण लीला का लाभ नहीं ले सकी मुझे वहाँ से उठना पड़ा तब वहाँ से उठकर चली गई तो बाद की जो शेष जो लीला थी उस लीला दर्शन से ये बेचारी वंचित रह गई तब प्रातः काल जब उन कुंजों का मार्जन करने के लिए आई है बुहारी लगाने आई है और उन कुंज के जो कीर हैं तोते हैं उन तोतों ने जो सुंदर सुंदर लीला विलास का वर्णन प्रिया प्रियतम की जो बातों का अनुकरण वे कर रहे थे बातों को पकड़ कर जो रट रहे थे उसको जब इस सखी ने सुना है तब मन से लीला अदर्शन का जो दुख था वो दुख निकल गया और तोतों की द्वारा लीला विलास सुनकर ये बड़ी प्रसन्न हुई ये प्रसन्नता ही इसकी आत्मशुद्धि थी और लीला दर्शन नहीं कर पाई वह जो अशुद्धि का एक मन में भाव था वो तोतों के द्वारा सुनने से वो भी दूर हो गया तो सखी प्रार्थना कर रही है कि निकुंज के तोतों के मुंह से गाए हुए अंतरंग विलास को ऐसे विलास को मैं कब सुनूंगी यहाँ सखी का ये उल्हाना व्यक्त होता है राधा रानी के प्रति मानो वो जो कह रही है कि मैं कब सुन पाऊंगी तो ऐसा लगता है जैसे श्री जी के प्रति वो उल्हाना दे रही है तो इससे इस उल्हाने से व्यक्त होता है कहना चाहती है कि हे hey प्रिया जी आपने तो आज तक मुझसे कुछ छिपा कर नहीं रखा फिर आपको आज ये कैसे सहन हो गया कि आपका केली दर्शन मैं नहीं कर पाई तो कटाक्ष करती हुई कहती है कि भाई ठीक है प्रियतम तो प्रिया जी को हमसे भी कहीं अधिक प्यारे हैं अब उनके साथ संगम प्राप्त हो रहा है तो फिर ऐसे आनंद में हमारी कौन याद करे प्रिया जी के प्रति क्योंकि इसका पूर्ण अधिकार है इसलिए प्रिया जी को उल्हना भी दे देती है कटाक्ष भी कर देती है अथवा पद्य का पूरा पूर्वार्ध श्री राधा रानी की ही उक्ति भी स्वीकार कहीं कहीं की है टीकाकार ने दोनों भाव लिए हैं मत कंठे किम नखर शकैया दैत्यराजोस्मी नाहम मैव पीड़ा कुरु कुछ तटे पूतना नाम नाहम अस्मी ये दोनों जो पंक्तियां हैं ये श्री जी के ही मुख से निकली हैं अर्थात मैं दैत्यराज नहीं हूँ मैं पूतना नहीं हूँ आप इस प्रकार का कठोर नखाघात कैसे कर रहे हैं तो श्री जी के पक्ष में भी दोनों पंक्तियों का अर्थ माना है और एक पंक्ति प्रियतम और दूसरी पंक्ति प्रिया जी अर्थात जो दैत्यराज वाला भाव कह रहे हैं वो श्याम सुंदर कह रहे हैं कि मैं दैत्यराज तृणवर्त नहीं हूँ और प्रिया जी कह रही हैं मैं पूतना नहीं हूँ फिर इस प्रकार का आप कुछ तट पर नखाघात क्यों कर रहे हैं तो दोनों प्रकार के अर्थ स्वीकार किए हैं प्रिया जी रसशास्त्र में प्रतिपादित कामकला के ज्ञान के कारण बड़ी चतुर हैं किंतु प्रियतम को वैसा दिव्य कामकला का ज्ञान नहीं है इसी बात को मानो प्रकट करके प्रिया जी शिक्षा दे रही हैं प्रियतम को मैं दैत्यराज नहीं हूँ मानो सिखा रही हैं कि आपको काम कला का ज्ञान नहीं है तो इस पर इस बात पे प्रियतम हंस देते हैं तब श्री प्रिया जी के श्री वक्ष पर नखाघात करते हैं तब प्रिया जी कहती हैं मैं भूतना तो नहीं हूँ यद्यपि ये सब वाक्य सुनने में कठोर लग रहे हैं किंतु इनमें भी प्रेम भरा उपहास है और हल्की सी फटकार जैसा भाव भी प्रिया जी का छिपा हुआ है जो कि श्रृंगार रस में होता है तो इस उपहास के द्वारा प्रिया जी की विदग्धता सिद्ध होती है अर्थात प्रियतम को दिव्य काम का कोई ज्ञान नहीं है जो ज्ञान है उस उस इस काम शास्त्र के दिव्य कामशास्त्र की जो ज्ञाता हैं जो विदग्धा हैं वो श्री प्रिया जी ही हैं क्योंकि कहा भी है अकोविदा को विदवादवादान वदंत्यथो नतिविदाम तिवेदाम वरिष्ठा न सूरयो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेण सहा मनंती जो लोग कम जानते हैं वो बातें पंडितों जैसी ज़्यादा बनाते हैं पर जो शास्त्र को अच्छी तरह से जानते हैं उनका स्वभाव ज़्यादा बोलने बघारने का नहीं होता है तो यहाँ प्रिया जी की इन बातों से ऐसा ही स्पष्ट होता है मानो प्रीतम जो हैं वो अल्पज्ञ हैं पर पंडितों जैसी बातें बघार रहे हैं तो विद्वान पुरुष जो है वो अधिक बोलते नहीं हैं तो यहाँ श्री प्रिया जी का विदग्धा होना स्पष्ट है प्रिया जी कहती हैं पुस्तकों को ही सब कुछ समझ अध्ययन किया है कि गुरुओं की सेवा में रह के कुछ सीखा भी है तो प्रिया जी का ये संकेत है कि आप इन कामों में कुशल नहीं हो सूरत कला के क्षेत्र में तो विविध रसात्मक कार्यों का ज्ञान अर्जन करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को रस शास्त्र के आचार्यों से सीख के ही व्यावहारिक क्षेत्र में उतरना चाहिए तो श्याम सुंदर कहते हैं कि आपको कैसे पता कि मुझे रस शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो प्रिया जी बोली वाह खूब जानते हैं आप आपने सच कहा श्याम सुंदर बोले अरे ब्रज लीला के प्रसंग में मैंने दो जगह गिनकर नखाघात करना सीखा था एक तो तृणावर्त के गले में दूसरा पूतना के वक्ष पर श्री जी हंस गई बोली तब तो निसंदेह आप जानते हैं धन्य हैं आप नखाघात करने में रसिक हैं पर एक बात तो बताइए क्या उसी अभ्यास के बल पर यहाँ विशुद्ध रस का आस्वादन ले पाएंगे आप इस प्रकार का हास प्रयास श्री प्रिया प्रियतम में चल रहा है श्री प्रिया जी का इन सब बातों को कहने का ये अभिप्राय है कि आप बहुत बड़े पंडित हैं ठीक है पर पहले हमारे साथ रह के सीखो नखदान कैसे किया जाता है कैसे नहीं फिर श्री प्रत्येक पद्य का विशिष्ट रूप से उल्लेख करके टीकाकार बताते हैं यहाँ प्रियाजी मत कंठे मेरे कंठ में ऐसा कह रहे हैं कंठ इतना भी कह सकती थी पर मेरा ये शब्द जो प्रिया जी ने कहा है वो सुकुमारी श्री राधा और उनके अद्भुत सुंदर शरीर की स्मृति दिलाता है जैसे कृत कुमार संभव नामक काव्य में पर्वतराज की पत्नी मैना तपस्या के लिए तैयार हैं और अपनी पुत्री पार्वती से कहती हैं कि सिरस का फूल भौरे के पैर के भार को सह सकता है पर किसी पक्षी के भार को नहीं यदि प्रियतम कहें कि प्रियतमा की सुकुमारता का मुझे ध्यान है अतः मैं उचित रीति से ही नखदान करता हूँ तो इस हिसाब से आपका नखदान मधुर ही होगा पर पहले प्रिया जी के वर्णन में कह आए हैं पूर्व के श्लोक में कह चुके हैं कि जी जो है, वो हैं वो मधुरतर हैं एक होता मधुर फिर उससे अधिक मधुर मदूर, मधुरतर और फिर मधुरतम तो जी का जो शरीर है वो मधुरतर है तो यहाँ श्याम सुंदर के केवल मधुर होने से काम नहीं चलेगा अर्थात श्याम सुंदर को और भी मधुर होना पड़ेगा कहा भी है कि प्रियतम तो मधुर हैं लेकिन जी प्रियतम से ज्यादा मधुर हैं इसलिए जी के संबंध में तो आपकी ये कठोरता ही मानी जाएगी दैत्य कहने का आशय यही है तो यहाँ प्रिया जी मत कंठे कह रही हैं अर्थात मुझ सुकुमारी के कंठ में कंठ एक बड़ा मर्म स्थान होता है उसे तनिक भी कोई कसकर पकड़ ले छू ले तो फिर बड़ा कठोर वो व्यवहार लगता है तो यहाँ श्री जी कह रही हैं नखर शिखया नख की शिखा से शिखा यानी नख का जो अग्रभाग होता है जैसे दीप शिखा शब्द में जैसे शिखा से जो लौ होती है उससे जो गर्मी निकलती है वैसे ही यहाँ नखर शिखा से नखर की शिखा से हे प्रियतम आप मुझे संताप मत पहुँचाइए क्योंकि दैत्य राजोस्मी हम, मैं दैत्यराज नहीं हूँ यहाँ अहम शब्द से सूचित होता है कि नखदान जन्य सुखानंद की अधिकारिणी भी मैं ही हूँ यदि वह उचित रीति से किया जाए अर्थात आप यह जो विलास कर रहे हैं इसकी अधिकारिणी मैं ही हूँ असमी ये जो क्रिया ये जो पद है इस क्रिया से ये प्रतीति कराई गई है कि आप वर्तमान समय को देखिए और उसके अनुसार व्यवहार करिए यदि श्याम सुंदर कहें कि मैं आपको आपके शिखा से मुझे नखर शिखा से मुझे संताप मत दो तो मैं आपको संताप कहाँ दे रहा हूँ तो यहाँ श्री प्रिया जी प्रियतम से कहती हैं नहीं नहीं आप जो कर रहे हैं वह सर्वथा उचित ही है यहाँ प्रिया जी को इस लीला में भय भी है और संकोच भी है तो इस तरह से परस्पर जो शाम सुंदर हैं वो ऊपर से लग रहा है कि जैसे नखदान जन्य कोई पीड़ा दे रहे हैं किंतु यह पीड़ा नहीं है यह सुखानंद है जिसका अनुभव श्री प्रिया जी कर रही हैं तो इस तरह से जो विलास चल रहा है काल होने पर तोते इधर उधर बैठ गए हैं रात्रि भर प्रिया प्रीतम के इन वचनों को सुना है और उनमें से आधे वचन को किसी तोते ने पकड़ लिया आधा सीखा हुआ वाक्य किसी तोते ने पकड़ लिया और प्रातः काल जब हुई है तो सब तोते जो जो रात भर में पकड़े हैं सीखे हैं वो सब गाने लगे हैं और इन्हीं सब वाक्यों का भिन्न भिन्न अर्थ सखियों ने मनन किया है उसको सुनकर आनंद प्राप्त किया है सखी स्नेह के कारण इस सखी को जब तक अनुभव हो रहा था उसके आधार पर इसे डर था कि कृष्ण जैसे विदग्ध दूल्ह के साथ वार्तालाप में प्रिया जी पता नहीं खरी उतरेंगे कि नहीं पर तोतों के मुंह से निकले हुए विलास को सुन के तो सखियों को विश्वास हो गया नहीं नहीं आज रात्रि के विलास में तो प्रिया जी ने प्रियतम को निश्चित ही हरा दिया है तो वे सब सखियाँ स्नेहपूर्वक श्री राधा रानी को मन ही मन शाबाशी देती हैं आशीर्वाद देती हैं और प्रेम वैवश्य की अवस्था में ये जो अंतरंगा सखी वहाँ से चली आई थी इसके कारण उसे बेचारी को थोड़ा सी हानि अवश्य हुई थी पर अब उसका तोतों के मुँह से उस लीला को सुन के अंतकरण एकदम शुद्ध हो गया तो कहने का भाव यह है ये सब विलक्षण श्लोक हैं कुछ लोगों को यदि दैत्यराज आदि नाम इनके लेने सुनने से कोई संकोच होता है या इनमें किसी प्रकार का संदेह होता है तो विचार शक्ति से काम लेना चाहिए क्योंकि यहाँ इन सब भावों में केवल अधिकारी जनों का ही प्रवेश है अन्य सामान्य लोगों की यहाँ कोई गति नहीं है यहाँ कोई प्रवेश नहीं है फिर आगे श्री प्रिया जी के प्रति जो इस सखी का अनन्य भाव है उस अनन्य भाव का वर्णन ग्रंथकार अग्रिम एक सौ श्लोक में करते हैं जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फर राधा मे छटा पदाबा वैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम विना राधा केली कथा सुधाम बुधि महावीचिरांदोलित कालिंदी तटकुंज मंदिर वरालिंदे मनोविंद सखी ने केली कुंज के आंगन को बुहारने का आनंद लिया था और चूंकि अकेली जो स्वादु वस्तु है निय, एक नियम है कि स्वादिष्ट वस्तु को अकेले नहीं खाना चाहिए तो इसके इस सिद्धांत के अनुसार कृपा भाव से प्रेरित होके यहाँ ग्रंथकार अपने आचार्य रूप में आकर सब संसार सब लोग इस आनंद का लाभ लें इस लक्ष्य से लोक परलोक से विलक्षण जो उनकी अनन्य निष्ठा है केवल श्री राधा रानी की स्फूर्ति पैदा करने वाले वृंदावन के निकुंजों के आंगन के प्रति जो उनकी संपूर्ण आसक्ति है संपूर्ण प्रीति है उसी का वे वर्णन इस प्रस्तुत श्लोक में किए हैं श्लोक का भाव है श्री राधा की केली कथा समुद्र की उत्ताल तरंगों में मेरा मन झकोरा लेता रहे श्री यमुना जी के किनारे स्थित लता मंदिर के प्रांगण में, में मेरा मन आनंदित हो जागते सोते और सुषुप्ति, गहरी नींद में भी श्री राधा रानी के चरण कमलों की छटा ही मेरे मन में स्फुरित होती रहे उसके बिना वैकुंठ अथवा नरक में भी मेरे मन की श्री राधारानी के बिना अन्य कोई गति न हो एकमात्र श्री राधा रानी पर ही अवलंबित मेरे मन में जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में उनके चरण कमलों की ही छटा का स्फुर हो कोई दूसरी बात मेरे मन में कभी ना आए न जागते में आए न स्वप्न में आए न सुषुप्ति में आए तीन अवस्थाएं होती हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में संसारी लोगों के मन में संसार ही स्फुरित होता है जब वे जागते हैं तो भी संसार और जब पंचभूतात्मक सृष्टि के भोग की आकांक्षाएं मन में उठती हैं स्वप्नावस्था में भी जागृत अवस्थाओं के संस्कारों से उत्पन्न मिथ्या आशा यानी संसार में ही संसारी लोग लिप्त रहते हैं और सुषुप्ति गहरी नींद में जब अहंकार का लय हो जाता है जीवात्मा अनुभव रहित शून्य स्थिति में पहुंच जाता है या कहो कि शुद्ध निद्रा में लीन हो जाता है तो आत्मा की सुखपूर्ण स्थिति ही शेष रह जाती है चौथी स्थिति है तुरी अवस्था तो संसारी लोग तीनों अवस्थाओं में संसार में ही डूबे रहते हैं और यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि मैं तीनों अवस्थाओं में केवल श्री राधा रानी के चरणों की छटा ही मेरे मन में स्फुर्त हो तरीय तो अवस्था में भी श्राधा चरण छटा ही हो और पंचम जो प्रेमावस्था है उसमें भी राधा चरण छटा हो ये पंचम अवस्था प्रेमियों की होती है न संसारियों की होती है न ज्ञानियों की होती है ज्ञानी लोग जन जो हैं जो समाधि लगाते हैं उनके लिए तुरी अवस्था ही सबसे मुख्य होती है महत्वपूर्ण होती है जैसा कि वेदांत के सिद्धांत के अनुसार अखंड आनंदात्मक स्थिति ही ज्ञानी का परम लक्ष्य है ज्ञानी को वो मिल जाए तो उसका ज्ञान मार्ग सफल हो गया तो यहाँ ये सखी कह रही है कि मेरे हृदय में तो श्री राधा रानी के चरणों की छटा ही चमकती रहे बाकी मुझे न ब्रह्मानंद न आत्मानंद की कोई आवश्यकता नहीं है इनके स्फुर से मुझे कोई लेना देना नहीं है लोग भले ही कहें कि अरे ये तो आत्मा को परतत्व मानता ही नहीं है पर मैं तो कहती हूँ कि श्री राधा रानी की छवि ही मेरी आत्मा है और वही परमात्मा है श्री वृंदावन शतक में भी राधा रानी की सखी का ये स्वरूप बताया है जैसे ज्ञानी लोग आत्मस्वरूप की बात करते हैं स्वरूप में स्थित होने की बात करते हैं राधा रानी की सखी का या राधा रानी के दास का क्या स्वरूप है श्री राधा पाद पद्म छवि मधुर तर प्रेम ज्योतिरेका भोधे रुद्भुत फेनस्तव कमय तनु सर्व वैदग्ध पूर्ण कैशोर व्यंजतास्त घन रुग पग घन श्री चमत्कार भाजो दिव्यालंकार वस्त्रानुसरत सखे राधिका किंकिस्ता हे मित्र श्री राधा रानी के चरण कमलों की शोभा में जिनका अनन्य प्रेम है उस राधा प्रेम के में प्रकाश के समुद्र से उत्पन्न जो फेन है, उन फेनों के समूह से सखियों के शरीर का निर्माण हुआ है राधा रानी के चरणों के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम के में प्रकाश के समुद्र से जो उत्पन्न फेन है, उनसे सखियों के शरीर का निर्माण हुआ है कैसी हैं वे सब प्रकार की चतुराइयों में पूर्ण हैं किशोर अवस्था है तरुणाई की छठा है उनके सब अंग प्रत्यंग चमत्कार से परिपूर्ण हैं, दिव्य आभूषण और वस्त्रों से मंडित हैं ऐसी जो श्री राधा रानी की सेविकाएं हैं हे मन तू उनका अनुसरण कर ये सखी स्वरूप है इसलिए राधा पदाब्जत छठा कहा कि श्री जी के चरणों की छठा चमकती रहे हृदय में बाकी किसी आत्मानंद ब्रह्मानंद से क्या लेना देना है राधा रानी के चरणों की छटा ही इन सखियों का परतत्व है अब परतत्व की कोई उपासना करता है तो उसको कुछ ना कुछ फल तो मिलता है परतत्व के भजन से ध्यान से लोग कहते हैं शास्त्र कहते हैं वैकुंठ की प्राप्ति होती है ये प्रसिद्ध है तो ये सखी कह रही है तो वैकुंठ में राधा रानी के सिवा मेरी कोई गति ना हो ठीक है वैकुंठ मिल जाए पर वहाँ भी श्री जी के अलावा मेरी कोई गति ना हो और मुझे किसी सुख की अपेक्षा नहीं है यदि कुछ लोग कहें कि तुम्हारा आचरण तो शास्त्र विधि से प्रतिकूल है तुम तो शास्त्र की कोई मर्यादा मानते नहीं हो तो तुमको न तो आत्मतत्व की स्फूर्ति हो सकती है न तुम्हें वैकुंठ मिल सकता है तो बोले ठीक है अगर हमारा आचरण शास्त्रीय नहीं है तो हमें नरक तो मिलेगा तो कोई बात नहीं नरक मिले वहाँ भी श्री राधारानी ही मेरी गति हो वैकुंठ मिले तो भी श्रीजी गति हों नरक मिले तो भी श्री राधा रानी गति हूँ बाकी हम किसी से डरते नहीं हैं अब कोई कहे नरक में भी जा रहे हो और श्रीजी को भी चाहते हो तो हम चाहे जहाँ रहें हमारी राधारानी गति हो भागवत जी का प्रसिद्ध सिद्धांत है शंकर जी ने कहा है नारायण पराह सर्वे न कौतश्च न बिभ्यति स्वर्गापर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शिना नारायण की भक्ति करने वाले लोग किसी से डरते नहीं है स्वर्ग हो मोक्ष हो नरक हो उनके लिए सब समान है वे एकमात्र सब जगह भगवान को ही देखते हैं जब नारायण की भक्ति करने वालों के लिए स्वर्ग नरक मोक्ष समान हो जाते हैं फिर राधा रानी की भक्ति करने वालों के विषय में तो कहा ही क्या जाए तो राधा रानी के चरण कमलों की छटा से जो अद्भुत आनंद स्फूर्त हो रहा है प्रकट हो रहा है वैकुंठ आदि सर्वश्रेष्ठ लोगों का सुख और नरक जैसे निम्नतन स्थानों के दुख भी राधा रानी के चरणों की छटा का स्फुर जिनको हो रहा है उनकी दृष्टि में सुख दुख कुछ होता ही नहीं है अर्थात ऐसा कोई उपासक राधा रानी की छवि में ही जो पूर्ण रूप से लीन हो चुका है उसको वैकुंठ और नरक में कोई अंतर ही नहीं लगेगा उसके लिए सुख और दुख जैसी कोई स्थिति ही संसार में नहीं होती यदि कोई पूछे कि वैकुंठ में वो रूप कहाँ देखने को मिलेगा वो गति प्राप्त कहाँ होगी तो कहते हैं मेरा मन श्री यमुना के तटवर्ती निकुंज ग्रहों के प्रशस्त आंगन में पहुँच जाए क्योंकि जैसी बुद्धि होती है वैसी गति होती है मैं अपनी बुद्धि को यमुना के तटवर्ती निकुंज ग्रहों में लगा देना चाहता हूँ और वहीं श्री प्रिया जी का दर्शन हो वृंदावन में ही मेरा मन रमता रहे क्योंकि राधा रानी वृंदावन में बिना प्रयास के मिल जाती हैं मेरे जैसे अधम जीव का निर्वाह श्री राधा रानी के बिना नहीं हो सकता है फिर यहाँ ये शंका उठती है कि वृंदावन में भी अनेक लीला स्थान हैं आप कहाँ मन को लगाना चाहते हैं तो ग्रंथकार कहते हैं कि मेरा मन राधा केली कथा सुदाम विधि महावीच भी अर्थात मेरा मन राधा रानी की केली कथा रूपी अमृत के समुद्र की विशाल तरंगों में झकोरा लेता रहे उस समुद्र की तरंगों द्वारा आंदोलित होने के कारण अन्य किसी भी वस्तु के लिए फिर स्थान कहाँ रह जाता है वृंदावन में स्थित अनेक स्थानों का वर्णन वृंदावन शतक में किया गया है गोवत्सई परिपंडितम क्वचिदहो हमवार कुर्वत भी वरम क्वचिदती क्रीडा विलोलाभकम कुत्राप्यन गोपतर ऋणी यूथोत्सव कुत्रचित राधा कृष्ण विलास मोहन मोहम ध्यायामी वृंदावनम कैसा वृंदावन है कहीं गाय बछड़े सुशोभित हो रहे हैं कहीं रंभाती हुई गायों के हुंकारों से आकाश गुंजायमान है कहीं खेलते हुए चंचक बालक दिखाई दे रहे हैं कहीं मदभरी गोप वधुओं के उत्सव चल रहे हैं श्री राधा कृष्ण की विहार लीला की मोहिनी से भरा हुआ ऐसे श्री वृंदावन का मैं ध्यान करता हूँ वैसे तो श्री राधा रानी और श्याम सुंदर की लीला कथा सारे ब्रज में ही प्राणों का संचार करती है पर अंतरंग विलास के उपयुक्त जो निकुंज घर हैं वृंदावन वही आंगन मेरे सेव्य हैं मेरा मन श्री जी की लीला कथा रूपी अमृत की विशाल तरंगों में झकोरा लेता रहे उन तरंगों की मछली बन जाए ये मन तो इस तरह से के तीन वाक्यों द्वारा पद्य के तीन वाक्यों द्वारा समस्त कर्तव्य बता दिया जैसा कि प्रथम चरण में कहा गया है जागृत स्वप्न सुषुप्तु स्वर तुम्हें राधा पदाब्ज छटा इसमें कहा है कि संसार में रहते समय आप जब संसार में व्यवहार कर रहे हैं शारीरिक रूप से कोई भी कार्य संसार में कर रहे हैं केवल उन श्री राधा रानी की भावना की स्फूर्ति को ही हृदय में स्थान देना चाहिए बाकी शास्त्रों में जो सगुण निर्गुण उपासना है उन सब सिद्धांतों में नहीं भटकना चाहिए। श्लोक के दूसरे चरण में कहा है कि वैकुंठे थवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम वे अर्थात अपनी इतनी अनन्य निष्ठा रखें कि अनन्य निष्ठा के बल पर किसी से डरना नहीं चाहिए अच्छी गति होगी या बुरी गति होगी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए बल्कि ये धारणा रखनी चाहिए कि हमारा इष्ट ही हमारा लक्ष्य है बाकी अच्छी बुरी गति से भी हमें कोई लेना देना नहीं है कोई भयंकर दुख भी आ जाए यहाँ तक कि नरक भी नरक गानी गामी भी होना पड़े नरक भी जाना पड़े तो भी अपने उद्धार की प्रार्थना अपने इष्ट से ही करनी चाहिए इधर उधर नहीं भटकना चाहिए अन्य किसी देवी देवता को याद करने की ज़रूरत नहीं है किसी छोटे मोटे साधन का आश्रय नहीं लेना चाहिए ये बात दूसरे पद्य में दूसरे चरण में कही फिर राधा केली कथा सुदाम्बिधु महावीचि भी आंदोलितम तीसरे चरण में कह रहे हैं कि श्री वृंदावन वास ही सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन का लाभ है अर्थात यहाँ इस भूमि में रह के राधा रानी की कथा वार्ता रूपी समुद्र में डूबे रहो उसी में मग्न रहो किसी और देवी देवता की कथा न सुनो न याद करो ये सब अनन्य जनों के और अन्य आश्रित जनों के समझने की बातें हैं इस तरह से श्री वृंदावन में रहते हुए सर्वत्र रानी की ही स्फूर्ति हो जैसा कि ग्रंथ में कहा है, राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांग मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत के राधा विहार विपने रमताम मनो में राधा रानी की विहार स्थली वृंदावन में ही हमारा मन रहे जिस वृंदावन की लता पत्रों को श्री जी ने अपने हाथ से चुना है जिसके सुंदर स्थान श्री जी के चरण चिन्हों से सुशोभित हैं जहाँ मस्त पक्षियों के समूह राधा रानी का यश चारों ओर गाते रहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति यहाँ धाम में रह के जागते रहना चाहिए एक भाव ये भी टीकाकार दे रहे हैं धाम में रहकर जागते रहना चाहिए जागते रहने से तात्पर्य निरंतर श्री जी के ही स्मरण में रहना चाहिए जागते रहेंगे तो स्वप्न में अपने आप श्री जी की क्योंकि स्वप्नावस्था का अंतर्भाव जागरण अवस्था में हो जाता है क्योंकि स्वप्न में अपनी जो अपूर्ण अभिलाषाएं होती हैं वो ही प्रकट होती हैं जागृत अवस्था के संस्कार ही सपने में उतरते हैं इसलिए कहा है वृंदावन में जागो तो वृंदावन में ही स्वप्न भी होगा श्री जी के स्मृति में जागेंगे तो स्वप्न में भी श्री जी ही आएंगी जागृत अवस्था की भांति ही अन्य सब अवस्थाओं में राधा रानी के नाम का स्मरण जागृत में जितना अधिक नाम स्मरण होगा स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था अपने आप बनती चली जाएगी फिर यहाँ एक शंका उठाते हैं कि शरीर तो त्रिगुणात्मक है जब तक प्रकृति से शरीर जुड़ा है तब तक स्वप्न में तो प्रकृति आएगी ही लौकिक पदार्थों की स्फूर्ति होगी ही तो इस विषय में उज्जवल नीलमणि का उदाहरण देते हुए उत्तर देते हैं कि व्यतीत्य व्यतीत तुर्यामी ताम पंचमी प्रेममयी अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति और चौथी अवस्था को तूरीय अवस्था कहा है इसको पार करके प्रेमी प्रेममयी पंचम अवस्था में जब पहुंच जाता है तो वहाँ हरि भक्तों को या राधा रानी के भक्तों को स्वप्नावस्था जन्य विक्षेप भी नहीं होता है अर्थात उस पंचम अवस्था में पहुँचने के बाद वहाँ रजोगुण रह ही नहीं जाता है श्रीजी की स्फूर्ति अगर जागृत में होने लग गई तो स्वप्न सुषुप्ति तूरीय और पंचम अवस्था तक फिर इस प्रकृति का कोई संबंध नहीं रह जाएगा अर्थात फिर संसार स्मरण में आएगा ही नहीं भले ही शरीर गुणात्मक है मायक है पर जब केवल श्री जी की ही स्फूर्ति होगी तो प्राकृत शरीर को भी प्राकृत स्वप्न नहीं आएंगे जब उसे इष्ट के साक्षात दर्शन का आनंद मिलेगा तो आत्मानुसंधान खो के की स्थिति में वो जब पहुंच जाएगा तो वहाँ भी राधा रानी की विहार लीला का दर्शन होगा वहाँ भी उसे उसी का आनंद मिलेगा बेसुद अवस्था हो जाएगी तो सुषुप्ति दशा में भी श्री जी की छटा प्रतिभाषित होती रहे यह कामना यहाँ ग्रंथकार ने की है अभिप्राय यह है कि सखी को ये असह्य है कि सुषुप्ति दशा के कारण युगल स्वरूप के दर्शन में किसी प्रकार की बाधा हो क्योंकि सुषुप्ति वो अवस्था है गाढ़ निद्रा जिसमें सोने वाले को ये भी नहीं पता होता कि मैं सो रहा हूँ तो सखी कह रही है कि ऐसी सुषुप्ति न मिल जाए मुझे जहाँ मुझे प्रिया प्रीतम के दर्शन का अनुभव ना हो तो इसलिए उस बाधा को ये नहीं चाहती है तो इसलिए कह रही है मुझे सुषुप्ति में भी अनुभव हो मुझे सुषुप्ति में भी श्री जी ही स्फुरत हो वैकुंठ और नाक नरक नाम तो इसलिए लिया है जैसे कहने में आता है यदि शेष भगवान पृथ्वी को धारण न करें अरे शेष तो पृथ्वी को धारण करते ही करते हैं ये विरुद्ध संभावना यहाँ केवल एक कहने का तरीका है इसी तरह से यहाँ इस सखी को या ग्रंथकार को वैकुंठ या नरक जाने की जरूरत नहीं है ये तो केवल कहने की एक रीति है एक प्रकार है ऐसा के, के वो लौकिक जनों को कल्याण के लिए अपनी निष्ठा बताना चाहते हैं कि वैकुंठ और नरक भी राधा दास के लिए समान हो जाएंगे वैकुंठ और नरक भी बराबर हो जाएंगे अर्थात इस निकुंज घर के आंगन में ही मेरा रमण मेरा मन रमण करे बाकी मुझे वैकुंठ और नरक से भी कोई लेना देना नहीं है फिर आखिर में यहाँ कर एक श्लोक बता रहे हैं कि जो इस श्लोक में कहा है राधा रानी के चरण कमलों की छटा ही स्फुर्त होती रहे तो अगर कोई उपासक श्री जी के चरणों की छटा का ध्यान करना चाहता है तो उसके लिए राधा सुधानिधी जी का एक श्लोक यहाँ दिया है कि वो चरण कैसे हैं उनका कैसे ध्यान करना चाहिए कामम तुल कया करेण हरिणा यालक्त कई अंकिता नाना केली विदग्ध गोप रमणी वृंदे तथा वंदिता या संगुप्त तयात विद्योतते सा राधा चरणी ऐसे श्री राधा रानी के चरणों को ध्यान करना चाहिए जिन्हें श्री कृष्ण ने मन भर कर अपने हाथ से जिन चरणों में महावर चित्रित किया है अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं में निपुण गोप वधुओं के समूहों को देखते हुए जिनकी उन्होंने वंदना की है अनेकानेक गोपवधुएं खड़ी हैं उनके मध्य में शाम सुंदर श्री राधा रानी के चरणों की वंदना करते हैं जो चरण गुप्त रूप से सब उपनिषदों के हृदय में प्रतिभाषित हैं और ऐसे श्री राधा रानी के नृत्य लीला से परिपूर्ण यानी नाचती हुई श्री राधा रानी के जो दोनों चरण हैं वे चरण ही मेरी गति हों उन्हीं में मेरा मन रमता रहे वे ही मेरे हृदय में स्फुर्त होते रहें सा राधा चरण द्वयी मम गतिर लाइक मई तो इस तरह से श्री राधा रानी के इन चरणों के ध्यान के विषय में ग्रंथकार ने प्रस्तुत का ही एक किया है शतक में भी लिखा है नूपुर राधा पदार विंद सौंदर्य वृंदावन भुवि संतत मनु मम क्षणायांतु मधुर मधुर शब्द करते हुए रत्न जटित नूपुरों से विभूषित राधा रानी के चरण कमलों के सौंदर्य का निरंतर चिंतन करते हुए वृंदावन की भूमि में ही हम लोगों का सब समय व्यतीत हो मम क्षणायान मेरा सब समय इसी भूमि में श्री जी के चरणों का ध्यान करते हुए ही जाए इस तरह से राधा छठा की व्याख्या पर ये सुदानिदी जी का श्लोक और शतक का श्लोक उदाहरण के रूप में ग्रंथकार ने दिया टीकाकार ने जय श्री जय श्री जाग्रत स्वप्न सुश्रुति को क्यों लिया गया क्यों ऊपर मतकंठे नगर शिक्षा ये तो लीला का संबंध है अंग प्रंगन रिंगन ये भी श्री जी के अंगों से नित्य निकल रहा है जो अमृत सिंधु लेकिन चौथा श्लोक जागृत स्वप्नि क्यों दिया गया ये देना आवश्यक था क्योंकि जितनी अनुभूतियाँ होती हैं जागृत की स्वप्न की सुषुप्ति की ये तो संसार में सबको होती है सुषुप्ति की अनुभूति में जीव को लय हो जाता है कुछ नहीं होता है और वहाँ भी उन्होंने लिखा कि हमें राधा पदाप जो छठा की अनुभूति हो एक विचित्र बात लिखी जो कहीं नहीं मिलेगी जागृत की अनुभूति तो मिलती है स्वप्न की भी मिलती है सुख सुपनी की अनुभूति नहीं मिलती है उसको उन्होंने कहा उसमें भी अनुभूति होगी यदि तुम राधा रानी के चरणों में ध्यान निष्ठा से सुश्रुप्ति को भी उन्होंने जहाँ के वेदांती लोग अनुभव नहीं मानते हैं क्योंकि वहाँ हम का नाश हो जाता है वहाँ भी इन लोगों ने रसिक लोगों ने अनुभव माना है सुषुप्ति से आगे की चीज है जहा वेदांती न पहुंच सकते हैं। तो लोग तीन अवस्थाओं में से लग सुषुप्ति में इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे और रसिक लोग इससे आगे चले जाएंगे एक विचित्र बात थी जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तो संसार में होती है लेकिन चौथी इन्होंने तुरी से भी आगे तुरी अवस्था में कुछ नहीं होता है चौथी में वेदांत शांत हो जाता है इन्होंने चौथी तुरीय से आगे लीला अनुभूति बताई राधारानी के चरणों की छटा वहाँ भी आएगी एक विलक्षण बात थी जो कि वास्तव में हमने भी नहीं, नहीं सोचा था तीन स्थितियां तो वेदांत में हमने पढ़ा था चौथी जो, जो भक्तों की होती है शतककार ने बताया जैसा कि ने मुरली ने बताया वास्तव में यहाँ जो कथा हो रही है ऐसी कथा ब्रह्मांड में कहीं नहीं है ब्रह्मांड में ब्रह्मांड इस माया के अधीन है माया से आगे वेदांती लोग जाते हैं तुरी में भक्तों लोग तुरी से आगे जाते हैं रसिक लोग उसे भी आगे जाते हैं वहाँ भी राधा रानी के चरणों की छटा मिलेगी एक नई बात बताई अश्का शतक का प्रमाण दिया उन्होंने जो शतक का प्रमाण था वो यहाँ भी है और बड़ा आश्चर्य है कि जो छोटा सा ग्रंथ है यहाँ से प्रकाशित हुआ है बृजभानपुर शतक उसमें भी ये चौथी अनुभूति का वर्णन मिलता है आप लोग अगर ध्यान देंगे तो वो राधा रानी की कृपा पात्रों को चौथी तूरी सी आगे की भी दशा निभूति होती है ये एक सौ चौंसठवें श्लोक में बताई गई है जिसका इन्होंने मुरली ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया और हमको भी नया लगा अच्छा लगा तीन श्लोकों के आगे जब चौथा पहले इन्होंने अंगम पर रिंगर श्लोक लिया उसके बाद मतकंठे लिया फिर उसके बाद दो श्लोक हो गए थे तीसरा इन्होंने जागृत स्वप्न ले लिया इसका ऐसा लगता है लीला से कोई संबंध ही नहीं मतकंठे का संभव संबंध लगता है श्री जी कहती हैं कि हमारे कंठ में न खा घा क्यों करते हो मित्रृणा वर्त नहीं हूँ अथवा पूतना नहीं हूँ ये ब्रज लीला में आता है इसका बहुत से लोगों ने आलोचना किया है ये ग्रंथ अक्षलो प्रक्षिप्त है बड़े बड़े लोगों ने किया लेकिन जाने क्यों किया प्रक्षिप्त तो है ही नहीं है सुधार नहीं प्रक्षिप्त को माना नहीं गया वस्तुतः ये हमारी कमी है हम समझ नहीं पाते हैं प्रक्षिप्त कुछ नहीं है उसका प्रमाण दिया उन्होंने बहुत ज्यादा कि उसको प्रक्षिप्त मानते हैं लोग प्रक्षिप्त कुछ नहीं है प्रक्षिप्त तो होता तो उसको सुधारी में क्यों रखते हैं जागृत में जो लीला होती है स्वप्न में जो लीला होती है जागृत के आधार पर और सुषुप्ति में वेदांत सो जाता है कि आम नहीं रहता तो सुषुप्ति से आगे क्या है तीन अवस्थाएं मानी गई हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेदांत मानता है और वो हमने पढ़ा था उससे आगे होते ही लीला की अनुभूति सुषुप्ति से आगे होती है ये वहां का श्लोक है इसलिए इन्होंने जो उठाया ठीक उठाया बहुत अच्छा उठाया इसके लिए इनको धन्यवाद नीलाुभति तुरी से आगे होती है तुरी से आगे वेदांत नहीं जाता है तुरी में हम सो गया हम है ही नहीं वहां अनुभव करने वाला तो अनुभव किसको होगा अनुभव होगा भक्त को वो तुरी से आगे जाता है वेदांत से भी आगे जाता है ये एक विचित्र बात शतक का प्रमाण दिया इन्होंने और एक नई बात इन्होंने रखी इसलिए इनको धन्यवाद है वेदांती जहाँ नहीं पहुँचते वहाँ रसिक लोग पहुँचते हैं वेदांती तो तूरे में खत्म हो गए उनका हम चला गया वहाँ कुछ अनुभूति नहीं इसलिए तुरी कहते हैं चौथी अवस्था जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था ये तो होती है संसार में सबको होती है तुरी नहीं होती है तुरी समाधि में होती है वो कहते हैं इस बात को सब लोग अच्छी तरह समझ लो क्योंकि आज का विषय बड़ा बड़ा गंभीर था तुरी से भी एक अवस्था होती है आगे की जहां लीलानुभूति होती है ये कहीं नहीं कोई कहेगा ये केवल रसिक लोग कहते हैं जिनको अनुभव होता है ये बात सबके समझने की के समझ लेना चाहिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तो तीन अवस्थाएं वेदांतियों ने बताई हैं। चौथी तूर्य बता दिया वो उसमें कुछ अनुभव नहीं होता अहम सो जाता है मैं रहता ही नहीं और चौथी अवस्था से आगे होती है लीला के अनुभूति अवस्था जहाँ मैं रहता है इन्हें सखी रहती है एक विचित्र बात है इसको आप लोग समझिए इसका प्रमाण दिया उन्होंने शर्तक से ऐसा नहीं कि इन्होंने अपने मन से कहा और इस ग्रंथ के आधार पर भी कहा स्फूर्त में राधा पदाब्द छठा राधा रानी के चरणों के छठा ये अलग है जागृत से स्वप्न से सुषुप्ति से वेदांत की तीनों अवस्थाओं से अलग है उस अवस्था में न वैकुंठ रहेगा न नरक रहेगा कुछ नहीं रहेगा वैकुंठ भी भगवान के दिव्य धाम है ऐश्वर्य का संपूर्ण विकास होता है वैकुंठ से आगे कुछ नहीं है लेकिन राधा रानी के रसिक रहते हैं वहाँ वैकुंठ भी नहीं है नरक भी नहीं है वहाँ केवल राधा रानी के चरण की छटा है कि जहाँ वेदांती नहीं पहुँच पाए वहाँ राधा रानी के रसिक जाते हैं वहाँ राधा रानी के चरणों की छटा पहुँचती है एक बहुत महत्व की बात है सारे संसार के लिए है क्या विचित्र चौथा शोक जागृत स्वप्न सुषुप्त ये तीन अवस्थाएं तो ठीक है वेदांत में लेकिन राधा पदापजत छठा की अवस्था अलग होती है वो से आ गए है न वहां वैकुंठ है न नरक है वो क्या है वहां वहाँ यमुना जी हैं दिव्य वृंदावन नित्य वृंदावन में और वहाँ हम कुंज मंदिर हैं उस कुंज मंदिर के आंगन में हमारा मन लीला का अनुभव करेगा जय श्री राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 क्षमा राधे क्षमा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे राधे राधि क्षमा राधे क्षमा 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 Shama राधे क्षमा Radhe राधे Shama, राधे Shama, Radhe, Radhe. राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 क्षमा राधे क्षमा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे राध क्षमाधि क्षमा 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 राधे राधे Radhe Radhe Radha Krishna prena bina Radhe 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 shama Radhe shama 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna prena bina Radhe 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 shama Radhe shama 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 Radhe Radhe